थैंक यू इन तालियों का शुक्रिया आपकी मोहब्बत का शुक्रिया आज ज़्यादा क्या बात है ब्लैक आपके जो ग्लासेस हैं माशाल्लाह इसमें आप फुल एक सुपरस्टार हीरो लग रहे हैं और आपके थैंक यू का भी बहुत शुक्रिया और खास तौर पर जो आप लोग मुझे घर पे देख रहे हैं टीवी पे देख रहे हैं सोशल मीडिया पे देख रहे हैं अपने मोबाइल में देख रहे हैं ऑफिस में देख रहे हैं बेडरूम पे देख रहे हैं चाने वाले के साथ देख रहे हैं चाने वाले के बगैर देख रहे हैं बस आप देख रहे हैं अपना वक्त दे रहे हैं इसलिए आपके वक्त का शुक्रिया आपको एक दफा फिर कहता हूँ वेलकम टू हाथ कर दी वो नोम आपका और मेरा कनेक्शन हार्ट टू हार्ट है लेकिन आज मैं करूंगा बातें बहुत ही स्मार्ट हमारे मुल्क में स्मार्ट होने की तारीफ ही कुछ अलग है अगर आपको नहीं पता तो मैं बता देता हूं हम तो इतने स्मार्ट है कि माशा 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 एक ही प्लॉट को हम आठ दस दफा बेच देते हैं हम इतने स्मार्ट हैं कि डिग्री ना भी हो तो हम हकूमत चला लेते हैं माशाला माशा बोले माशा हमें किसी से कोई काम निकलवाना होता है ना तो हम उसके लिए आंबो का तोहफा भेज देते हैं और किसी को इंप्रेस करने के लिए हम किसी और की गाड़ी की तस्वीर लगा देते हैं अरे हम तो इतने स्मार्ट हैं कि चार पाई की अगर एक टांग टूट जाए तो उसके नीचे नीचेटे लगा देते हैं हमारे तो चोर इतने स्मार्ट हैं पहले सीसीटीवी चोरी करते हैं उसके बाद घर का स्मार्ट और हम तो इतने स्मार्ट है बिरयानियां किसी पार्टी की और वोट किसी पार्टी का स्मार्टनेस का अंदाज़ा आप उस स्टूडेंट से लगा सकते हैं जो कहता है यार मैंने कुछ आंदा ही नहीं मैं तो पढ़े ही नहीं थे एंड इचारियाँ शीटा एग्जाम में चौपा रहा हूँ <laughs> लेकिन मेरी जान ये स्मार्टनेस दिखानी है ना तो पढ़ाई की फील्ड में दिखाओ आईटी की फील्ड में दिखाओ बिजनेस की फील्ड में दिखाओ और ऐसी स्मार्टनेस दिखाओ कि ना सिर्फ तुम्हारे माँ बाप बल्कि पूरा मुल्क तुम पे फख्र करे और इसी स्मार्टनेस के साथ मैं अपने आज के मेहमान को बुलाना चाहूंगा आज के हमारे मेहमान जो कि पाकिस्तान के सबसे बड़े कंटेंट क्रिएटर हैं कंपोजर हैं म्यूजिशियन है बेहतरीन सिंगर हैं एक माइंड ब्लोइंग डायरेक्टर हैं एक्टर भी हैं पाकिस्तान के बेहतरीन यूट्यूबर भी हैं मेरे बड़े प्यारे दोस्त भी हैं एक्सट्रीमली सेल्फलेस भी हैं कंपैशनेट भी हैं इंटेलेक्चुअल भी हैं संजीदा भी हैं फनी भी हैं मैं चाहूँ तो ये इंट्रोडक्शन अगले छः महीने करवा सकता हूँ क्योंकि ये इंसान मेरे दिल के बहुत करीब भी है इस इंसान के लिए मेरी मोहब्बत इतनी है कि बेला जी आपको पता चल जाए तो आप परेशान हो जाए हैरान हो जाए आप लोगों की भरपूर तालियों में जोश में जज्बे में लगन में दिल से बुलाना चाहूंगा मेरी जान मेरे मुल्क की शान तैमूर सलाउद्दीन मोरू मोरू भाई वेलकम टू द शो अक्सर कुछ लोग होते हैं ना अच्छे एक्टर्स होते हैं स्क्रीन के पीछे अच्छे होते हैं अक्सर बहुत सदियों के बाद ऐसे लोग मिलते हैं जो अच्छे एक्टर्स भी होते हैं कैमरे के पीछे लेकिन कैमरे के बाहर भी बहुत ही कमाल इंसान होते हैं उनमें से एक है वेलकम टू दी विद मोमन साकििब ये मोहब्बत ये प्यार ये क्या है मोमन भाई बस आप तारीफें करते रहे मैं खड़ा रहता हूँ यहाँ पे <laughs> <laughs> क्यों नहीं मोर भाई आपका नाम तैमूर इसका नाम है स्ट्रॉन्ग सेल्फ मेड

कुछ करूं झूठ <laughs> <जूट> झूठ पर ये <जूट। laughs> ये हमारे दिलों को इन्होंने किया ये भी <laughs> भाई माशाल्लाह बड़े शहरों में हमारी हमें मिलने का मौका मिला है लंडन में हम लोगों ने टाइम गुजारा कराची में आपने मुझे अपनी तरफ आराम फरमा होने का मौका दिया फिर लाहौर में भी मुलाकात हुई अगला क्या इरादा किधर अगली किधर हमारी मुलाकात होनी चाहिए अब लाहौर में भी शो में इतने लोगों के सामने इस्लामाबाद पहाड़ों चलते हैं यार कोई थोड़ा माउंटेन शाउंटेन क्लाइंबिंग कर लेते हैं क्या ख्याल है फ्रेश फील करेंगे ऑक्सीजन अंदर जाएगा हाँ। माशाल्लाह इतनी ट्रांसफॉर्मेशन भी आपने कर ली फिटनेस ये भाभी ने कहा था कि हर वक्त माइक सामने बैठा रहता है कुछ दौड़ लाए या ये किस तरह ये सिलसिला शुरू हुआ असल में अगर सच बोले मोहन भाई मैंने आपकी इंस्टाग्राम पे एक तस्वीर तो देखी थी जिसमें आप बीच पे यूं खड़े हुए थे और आपका बाइसेप जो है ना उसके ऊपर यूं एक वेन जा रही थी तो मैंने कहा यार ये मुझे वेन

मैंने कहा कि मैं अपनी बारी आखिर में लूंगा ना मैं हाँ, अच्छा आदमी लीडर हूँ एंड में खड़ा होगा पीछे से लीड करेंगे अब वो पीछे से लीड करते करते जब मेरी बारी आई तो किसी ने मुझे धक्का दिया और मेरी जगह ले ली <laughs>

करना जानी इलाके का कॉन्सेप्ट है हमारा बदमाशी का हर दो मिनट बाद तू जानता यार, मैं नहीं।, नहीं वो भी कह रहा है, है, हो है? पूरे मतलब पाकिस्तान में है लेकिन वहां भी बड़ा कॉन्सेप्ट है दो डाले पीछे दो डाले आगे है सर काम ही इसी तरह हो सकता है दूसरों को खौफ में रखो हे? हाँ मैं भी डाला चलाता हूँ मैंने देख लिया लोग किस तरह साइड पे कर रहे होते हैं कभी कभार मैं अपने आप को लिया तो मोटरसाइकिल पे और फिर मैं महसूस करता हूँ वाकई लोग पिस रहे हैं आपको जब तो डाले वाला आता है वो यूं दबा के आपको चला जाता है यूं पीछे हो जाते हैं तो अपने आप को दोनों लेवल से मैं एक तरह से अपने आप को रखता एक्सपीरियंस कैसा आपको इधर का भी उधर का भी लेकिन जब डाला चला रहे होते हैं सब साइड हो जाते हैं आपको गाड़िया मॉडिफाई करने का भी शौक है थोड़ा बाँद। थोड़ा बहुत, बहुत तो बस मैंने फैसला क्रिएट करते वक्त क्या माहौल चाहिए होता है आपको किस तरह ये आमद कैसे होती है हमें भी आमद होती है इन सबको मुझे दिन में दो तीन दफा लेकिन जो आपको आमद होती है ये क्रिएट करने की कैसे होती है सर चिल माहौल होता है थोड़ा सा

और उनको स्टडी करने के बाद उनकी सारी कोई तकलीफ तो नहीं की ना कोई नई फिल्म की, की।, की मतलब अमरीका से की लेकिन पाकिस्तान आ गए हॉलीवुड की समझ नहीं लगी आपको नहीं सर वो आ, मैं वहाँ पे कमा लिए थे वहाँ पे खाली और वाले ने अल्लाह का शुक्र है मुझे वहाँ पे एजुकेट कराया था लेकिन मेरा हमेशा से प्लान ये था कि मैंने वापस आना क्योंकि मुझे वहाँ के लोगों से बात नहीं करनी मुझे यहाँ के लोगों से बात करनी और मेरा सारा नैरेटिव जो है वो पाकिस्तान से मेरी मेरे दिमाग में जब कोई कहानी आती है तो किसी गोरे की नहीं आती वो आती है। बंदा बादशाही मस्जिद के सामने से गुजर रहा है उसके दिमाग में क्या बात गुजर रही है तो वहाँ पे उस बंदे को क्या कदर है इस तरह की कहानी की वो अपनों को ही कदर है यहाँ के लोगों को कदर है तो इसलिए वापस आपकी बात कर रहे हैं अपनों की ही कदर करो तभी जिंदगी ठीक रहती है जब ये सफर शुरू किया यूट्यूब का तो घर वालों ने नहीं कहा ये क्या टाइम जाय कर रहा है ये किस काम पड़ गया यार कुछ और कर कोई काम का काम कर होता है ना माइंडसेट एक एक कि प्लॉट बेच ले कुछ ले <laughs> कोई कोई सोसाइटी काट या अपना कोई खोखा खोल ले <laughs> तो कैसे ये, ये ये, आपको ये प्रेशर मिला था और अगर मिला था तो इससे कैसे डील किया और किस तरह आप डटे रहे कि नहीं मैंने ये करना है सर यूट्यूब से बहुत पहले से ही ये प्रेशर चल रहा था क्योंकि मैं ना अजीब फनकारुमा बंदा

मेरी तरह के नहीं है, <laughs> तो कैसे है? वो यार वो कनाडा में था एक स्कूल साइमन फ्रेजर फ्रेशन वहाँ पेस्टर से कंप्यूटर साइंस जब पढ़ी तो वो लोग कुछ और बोल रहे थे मेरी समझ से ही बात थी जावा प्रोग्रामिंग की बातें प्रोग हो तो मैं कहता था यार क्या बात हो रही है यहाँ पे तो मेरे से तो ना हो पाया तो सेमेस्टर के बाद जब घर गया वहां पे वालदे को बताया जी मैंने जी फिल्में पढ़नी अच्छा और जी एक और शुरू हो गया पहले तूने मौसीकी करनी थी तू फिल्म कर आप तू फिल्म करवाया लेकिन सामने मशहूरी चल रही थी एड सीरियल एक्ट का ऐड चल रहा था मैंने कहा मैं ये बनाऊंगा मैंने सुना है इनमें मशहूरियों में बड़ा पैसा होता है उन्होंने कहा हाँ मैंने सुना है वो फलाने का बेटा जो है ना वो भी कमर्शियल बनाता है वो बड़े पैसे कमा रहे हैं तो ठीक है बेटा तू कर ले रिलेशनशिप का गाना शूट करने गए थे और भाभी ढूंढ लाए सबकी माशाल्लाह किस्मत ऐसी हो यहाँ ये ऐसे ही हुआ था बिल्कुल <laughs> ऐसे ही हुआ था आपने बिल्कुल सोहेल बड़ा साहब तो की तरफ पूछा मुझसे ये क्या ऐसे ही हुआ था बिल्कुल ऐसे ही हुआ था, ही हुआ था। सुबह मोरू के साथ नाश्ता किया उसके बाद कुछ देर जॉगिंग की फिटनेस का राज यही है ये नहीं बड़े लेजेंड है सोहेल बड़ाइद साहब हमारे मुल्क के बड़े लेजेंड हैं एक सितारे हैं जर्नलिज्म में उनका एक नाम है उन्होंने हमें बड़े साल एंटरटेन किया अपने शोज के थ्रू तो <laughs> अच्छा। तो एक एक अच्छा मेरा एक और गाना है तस्वीर okay. तो मैंने लिखना छोड़ दिया था उन्होंने कहा दूसरा गाना तेरा बेहतर है तो मैंने कहा ठीक है फिर मैंने लिखना छोड़ दिया फिर वो उनसे रिश्ता टूटने के साल बाद मैंने कहा अब तो वो है ही नहीं चलो तो गाना तो मुकम्मल करें <laughs> तो गाना मैंने मुकम्मल कर दिया गाने का नाम मरियम था तो वो अब उसकी म्यूज़िक वीडियो हम शूट कर रहे थे और वहाँ पे म्यूज़िक वीडियो की शूट में मुझे मेरी बीवी मिल गई क्या कहते हैं इरज हादी उनका नाम है वो आर्ट डायरेक्टर हैं वो आर्ट डायरेक्ट कर करी थी आ, वो म्यूज़िक वीडियो जो है वो लफ स्टाइल अवॉर्ड भी जीती और आर्ट डायरेक्शन उसको सत्रह दिन लगे म्यूजिक वीडियो को शूट करने में वो एक स्टॉप मोशन की थी वो बहुत मेहनती लड़की थी जो मेरी अब बीवी हैं तो देखें किस तरह चलता है तकदीर का किस्मत का सिलसिला कि एक बुरी चीज़ से एक अच्छी चीज़ निकल आती कलेबरेट अगर आप करना चाहेंगे किसी के साथ तो वो म्यूज़िक में कौन होगा और एक्टिंग में कौन होगा म्यूज़िक में अब्दुल्ला सिद्दीकी ओके और एक्टिंग में हमजा अलीसी एक्टिंग में अली बासी का नाम लिया आपने? यार मौला जाट में उनकी कमाल एक्टिंग थी आप लोगों ने देखी अच्छी लगी आ, उफ तो तालियां बजाय उनके लिए आगे लेकर चलेंगे अब चलेंगे हमारे अगले सेगमेंट की तरफ जो आप लोगों का फेवरेट है और उसका नाम है लिपसिंग बैटल ये करना गेस्ट ने होता है ये करना ये करना गेस्ट नहीं होता है। लेकिन मैं अपनी जो वो सस्ती डांस की आते हैं, पूरी कर लेता खैर मोरू भाई खुद एक सिंगर है तो भाई मोरू भाई का ही गाना लगेगा वरना ये तो आपका शो है ये आपका माइक है मैं निकल रहा हूँ वेट वेट वी नीड टू टॉक अबाउट ये एनर्जी ये वाइब ये जिंदा दिली ये expressions. यार ये कि कौन आदमी हैं आप कौन है <laughs> कमाल ये लिखा भी खुद था जी फिर गाया भी खुद जी प्रोड्यूस भी खुद किया जी सेल्फ इज सेल्फ इज

आपने कुछ भी बोलना होगा दुखी गाने या रॉक हार्ड म्यूजिक दुखी दुखी गाने दुखी गाने पाकिस्तानी ड्रामाज या नेटफ्लिक्स 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 में क्या नेटफ्लिक्स में आजकल अमेजोन प्राइम पे एक धाड़ शो है बड़ा जबरदस्त है क्योंकि अक्सर जो नेटफ्लिक्स पे चीजें ट्रेंड कर रही होती है पाकिस्तान की तरफ से गर्म तासीर की गर्म तासीर की चीजें होती है तो बिल्कुल जिस तरह आम गर्म तासीर के होते हैं ट्रैवलिंग व्लॉग्स या लाइव परफॉर्मेंसेस दोनों में से एक गिव अप करना हो तो कौन सा होगा

अच्छी है। good. Research is good. Gali, Amsterdam है? है, uh, की 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 सड़कें सड़कें। का ज़्यादा मज़ा और um, Amsterdam में ऐसा क्या गलत है, जो आपने uh, Gali को किया? खुशबू बड़ी अच्छी है हम्म। mm. वो गलियां जो नहर के साथ जाती हैं। बिल्कुल ऐसे ही है इंस्टाग्राम <laughs> uh, या टिकटॉक कहाँ क्रिएटिव कॉन्टेंट कम है uh...

पहला पहली लाइन है लड़की के लिए मैं फूल लेकर आया कहीं जाए ना मुझे वो भूल लड़का था मैं बड़ा कूल बनाएगी मुझे वो फूल ये दिखाए मुझे भूलना जाले अब ये गाना लाइव बनाएंगे आज हैं है। लाइव गाना बना सकते हैं अगर मोरू भाई के ठीक है और कैसा बनाते हैं और हम उसको किस तरह एंजॉय करते हैं लड़की के लिए मैं फूल लेके आया आया लड़की के लिए मैं फूल लेके आया नहीं <laughs> आया आया ठीक <आगा>। है ना <laughs> कहीं ना जाए मुझे वो भूल कहीं ना जाए मुझे वो भूल लड़का था मैं बड़ा ओ <laughs> लड़की के लिए मैं फूल लेके आया कहीं ना मुझे जाए वो भूल आहा <coughs> आहा का था मैं बड़ा बना गई मुझे वो फू बना गई मुझे वो फूल आ यू ये फूल तालिया लाइव टैलेंट लाइव टैलेंट रियल टैलेंट रॉ टैलेंट भाई बैठे बैठे एक <laughs> और गाना अब आप बैठे बैठे बैठे. बैठे-बैठे. <laughs> <laughs> जिम भी मैं जाऊंगा बॉडी भी बनाऊंगा शर्टलेस फिर मैं डीपी लगाऊंगा चीख चीख के सबको गाना सुनाऊंगा गाना सुना के सबको फंसाऊंगा ये ठीक लग रहा है ठीक लग रहा है जिम भी में जाऊंगा बॉडी में बनाऊंगा शर्ट भी मैं डीपी लगाऊंगा बिना शर्ट में डीपी लगाऊंगा जिम भी में जाऊंगा जिम भी मैं जाऊंगा बॉडी में बनाऊंगा मोमिन की तरह मैं बॉडी में बनाऊंगा जिम भी में जाऊंगा जिम भी मैं जाऊंगा ओ चीख के मैं सबको गाना भी सुनाऊंगा गाना सुन के मैं

बाँ 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 बाँ। बाँ। भाई कर दिया यार। इसी के के साथ चलते हैं अगले सेगमेंट की तरफ जो शायद इससे भी ज़्यादा मजेदार है और उसका नाम है मूड स्विंग बोलूंगा आगे बोल रहा हूँ क्योंकि सारा दिन घर में निकम्मा पड़ा रहता है काम पे जा दो चार पैसे कमा ले हमारा नाम बना ले पान खाते हुए ये सारा दिन घर पे निकम्मा ये, ये पान खाते हुए किस तरह बुलेंगे? तेरे को ये तो सारा दिन घर पे निकम्मा बड़ा रहते काम भी जा दो चार पैसे कमा ले बना ना कुछ नाम बना लेकिन खा देगा पी लेगा लोगों को तोड़ देगा क्या खेल देगा मजा मजा नहीं लाइफ जीने का क्या रोते रोते खाने का पीने का लोगों को तोड़ने का कैरम खेलने का पापा यही तो जीने का मजा है यही तो लाइफ है पापा। बस बस बस, बस। सब ठीक हो जाएगा। सब ठीक। <laughs> अम्मा मैं बता दूं मैं खाला की बेटी से शादी नहीं करूंगा अब्बा ने कहा एक जगह से दो बार धोखा नहीं खाना चाहिए डरते <laughs> हुए डरते 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 हुए हाँ अम्मा मैं नहीं बताऊंगा मुझे खाला खाला की बेटी से शादी नहीं करूंगा अब्बा ने कहा है एक जगह से दो बार धोखा नहीं खाना चाहिए अब्बा वो अब्बा वो खाला की बेटी से <laughs> अब्बा वो खाला की बेटी से तो शादी नहीं करूंगा ना तो एक जगह से दो दफा धोखा तो नहीं खाना चाहिए न <laughs> <laughs> भाई कमाल गुरु भाई कमाल पिक्चर सेगमेंट क्योंकि मेरी टीम भी आपसे बड़ी मोहब्बत करती है मेरी तरह उन्होंने आपकी कुछ पिक्चर्स निकाली हैं और वो चाहते हैं कि आप हमें बताएं कि इन पिक्चर्स में क्या वाक़ है क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा आ, आ, ये मेरी पहली म्यूजिक वीडियो की तस्वीर है इस बंदर ने हमारा काफ़ी दिन खराब किया था इसके अंदर ये एनी जाफरी के इसने बाल पकड़ लिए थे तो वहाँ अनी जाफरी थी उसमें तो उसके बाल पकड़ लिए थे छोड़ ही नहीं रहा था फिर तो फिर मुश्किलों से उसको वापस किया लेकिन को बेच दिया? उसके इसके बाद से एक सेकंड के अंदर जब आप देख रहे होते हैं वीडियो, तो आप एक तस्वीर लेते हैं फिर हल्का से हिलते हैं फिर एक और तस्वीर लेते हैं हल्का से हिलते हैं स्टॉप मोशन एनिमेशन के अंदर ये अभी बैकग्राउंड नीचे ये मेरी बीवी है जहाँ पे मैं मिला था और वो मिन्ना एक एक्ट्रेस है और मुझे इनने एक पोजीशन में लॉक किया हुआ है तो ये होते थे आठ आठ घंटे हम इतना ए एक हिलाता तो मुझे आके कोई बंदा अब पपेट बन जाते हो ना बेसिकली तो आपको पपेट की तरह हल्का हल्का मूवमेंट करके एक एक तस्वीर लेते हैं और सात घंटे में यूं ही होता था ना मैं फ़ोन यूज़ कर सकता था ना कुछ बड़ी पेनफुल एक्सपीरियंस जब बेगम का सैलरी खत्म हो गई है पहले सारा खर्चा कर दिया नौ तरीक को ही

जहाँ पे हम फैमिलीज़ की और औरतों की और उन लोगों की मदद करना चाह रहे थे जो तवील रास्ता तय करते हैं पानी पीने के लिए हमारे लिए तो बड़ा आसान है हम पानी एक गिलास मिलता है हमें उसमें हम पी लेते हैं लेकिन अक्सर लोगों के लिए साफ पानी पीना एक बहुत बड़ी दिन की स्ट्रगल है तो उसके लिए हमने जब मोरू भाई को कॉन्टेक्ट किया तो विदाउट अ सेकेंड थाट ही वॉज़ ऑन बोर्ड कि यार चलो और वो इतना एक मज़ेदार ट्रिप रहा मेरी ज़िंदगी का जिस जिसको मैं कभी भूल नहीं सकता और वो स्टोरीज भी मेरे पास और मुरू भाई ने उसका एक ब्लॉग भी अपलोड किया था हाँ। जिसमें बहुत फन था बट आप बताएं बेहतरीन यार वहाँ पे वहाँ घड़े के अंदर लोग लेके जाते हैं पानी और वो बहुत अरसा लंबा उनको चल के जाना पड़ता है पानी हासिल करने के लिए जो कि हमारे लिए बस टूटी खोल के हमें मिल जाता है Absolutely. तो हम इस तरह की कन्वीनियंट जिंदगी में रहते हुए इतनी आसाइशों के साथ ये इस तरह की पोजीशन में बैठे हुए अगर हम दूसरों का ना सुने सोचे जिनके पास ये चीज़ें नहीं हैं तो वो एक मेरे ख्याल से बड़ी ज़्यादीती वाली बात है तो आप लोगों ने एक इनिशिएटिव किया मेरा तो इसमें छोटा सा रोल है आ, मगर वो उसकी इंजीनियरिंग भी सोचना बड़ी बात है हाँ कि वो ड्रम इस तरह का होना कि उसको ड्रैग करना आसान हो और वो उस तरह के इलाके में से गुज़र के जाए और उसको बम्प्स के ऊपर गुजरने के बावजूद इन्वायरमेंट फ्रेंडली भी होना तो वो मेरे ख्याल से मेरे लिए एक हाईलाइट थी मोमिन के साथ उस, और बिलाल भाई के साथ काफी इट्स uh, आई yeah. हो गए बट वेरी गुड सिंह हमारे साथ मौजूद है, <laughs> <के लिए, laughs> so <laughs> <laughs> है आपका मेरा नाम जहाज मसीह जहां भाई कैसे है मैं यार ठीक हूँ कैसे आप क्या करते हैं मैं ए इंग्लिश कर रहा हूँ फोर्थ सेमेस्टर है जैसे मैंने कहा इंग्लिश चार्ज नहीं की तो मैं आपसे बात नहीं करूँगा के लिए जी बिल्कुल है ठीक है अपने पास अच्छा <laughs> नहीं नहीं आई वांट टू आस्क हिम पूछे, पूछे। <laughs> मजाक कर रहा था अच्छा भाई जैसा कि आप लाइक सेलिब्रिटी हैं तो आपको मुख्तु लोगों से टैकल करना पड़ता है तो जहरी बात है एज वेल एज आपको पॉजिटिव के साथ नेगेटिव फीडबैक भी मिलते होंगे तो उनको आप कैसे टैकल करते हैं यार एक चीज एक चीज होती है तनकीद मेरे ख्याल से अपने आप को फिल्टर भी कर लेना चाहिए कि एक बंदा है है जो क्रिटिसिज्म बहुत ना हाँ जी तो क्रिटिसिज्म जो है वो सुन लेना चाहिए जी. बंदे में इतना जिगरा होना चाहिए कि कोई बंदा आपकी इसलाह करने की कोशिश कर रहा है कि बेटा इस तरह नहीं करना चाहिए जी. तो वो फिर आप सुने और अपनी इसलाह करने की क्योंकि आगे इरतका इंसान की और बेहतरी इसी तरह ही आती है कि कोई बंदा कह के यार ये सही नहीं है और आप सोचो की हाँ शायद मेरा बर्ताव अच्छा नहीं था तो अपने आप को तब्दील कर लो लेकिन कोई बथेरी गालियां दे रहा है नेगेटिव फीडबैक दे रहा है उसको इग्नोर जी जी ब्रदर क्या नाम है आपका मेरा नाम हमजा है हमजा भाई क्या करते हैं मैं सीएस का स्टूडेंट हूं सीएसएस सीएस कंप्यूटर साइंस कंप्यूटर साइंस जी। कंप्यूटर हाँ, computer... तो जब पढ़ने का दिल ना दिलना कर तो क्या करते हो फिर रग, फिर आपको देख लेते हैं अच्छा लड़का है सब अल्लाह कोई जी बिल्कुल पूछो

आई डोंट बिलीव इन बींग इन वन करियर आप कंप्यूटर साइंटिस्ट भी हो सकते हो साथ आप एंटरटेनर भी हो सकते हो साथ आप बिजनेस भी कर सकते हो तो जो हमारी सोसाइटी में कल्चरली एक चीज़ चलती आ रही है ना कि एक फील्ड पकड़ो उस पर फोकस करो ये बहुत अच्छी चीज़ है बट मुझे खुशी मिलती है डिफरेंट फील्ड में रहना और मैं कंप्यूटर की फील्ड में भी एक्चुअली हूँ

हाँ सब इंडस्ट्रीज में से। फ्यूजन। आता है आपको नहीं <laughs> अच्छा लगता है सुनना बड़ा मैंनेत अली बड़ा स्केल तमानत अली के बारे में कुछ बताएं लोगों को वो तो इतने ऐसे ऐसे वो शुरतियाँ जो मारते हैं बीच में वो तो पकड़ ही नहीं जा सकते लेजेंड लेजेंड इन, इन, इनकी आवाज में जो सुर है वो बंदे को घुमा देता है बच्चे सुला देता है, देता है बात है 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 खड़े उठा क्या बात मेरा नाम भाई से ये क्वेश्चन कि जब इन्होंने अपनी ये जर्नी स्टार्ट की है तो स्टार्टिंग में ना बहुत ज्यादा इशू आता है ठीक है घर वालों की तरफ से भी आता है लेकिन ये है कि बंदे को पता नहीं चलता कि उसने स्टार्ट किधर से करना है ठीक है मैं भी हूँ एक बहुत अच्छा राइटर नहीं लेकिन ये कहते हैं कि मैंने ना तकरीबन को दो तीन अपने सॉन्ग जो है ना वो खुद लिखे हुए हैं ठीक है तो लेकिन ये है कि पता नहीं चलता कि बंदा कहाँ से स्टार्ट करे और कहाँ से शुरू होगा कि चलो लिख तो लिए भाई अब आगे क्या करेगा बंदा समझ नहीं आ रहा ठीक है तो इस बारे में, में मेरा क्वेश्चन है कि जैसे आपने स्टार्ट किया कुछ एक्सपीरियंस शेयर करें हमें भी पता चले कि भाई कैसे स्टार्ट करना है और कैसे कहाँ तक पहुँचना है कि एक वक्त वो भी आए कि जैसे आप यहाँ पे बैठे हैं हम भी यहाँ पे बैठे हो ये पूरा क्वेश्चन जो है ना इसके ऊपर किताबें लिखी जा चुकी हुई हैं वो किताबें भी आपको पढ़नी चाहिए जो मैं भी पढ़ चुका हूँ एक हज़ार गाने लिखोगे ना तो उनमें से सौ अच्छे होंगे ना जी जी लिखे हुए हैं मैं एक सुनाऊँ ना आपको सुनाऊ ये मुमकिन नहीं ये मुमकिन नहीं के याद तेरी आंखें नमना करे हाँ मेरी आजा सजन मिल तो सही दिल ये बेтара पुकारे तुझे आजा आजा ना। आ तुम लौट आ जल्दी से इधर आओ जल्दी से आओ आजा आजा कहीं आज ही हमने तुम्हें हाथ कर की कुर्सी पे बिठा दिया कि तुम्हें तुम्हारे टैलेंट को हमने सराहा है एक्नॉलेज किया है बैठे 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 तुम ये ना कहो कि हमने वेट किया हमने तुम्हारे टैलेंट को आज आइडेंटिफाई कर लिया इस कुर्सी पे तुम हो अपना नाम बताओ अपने चैनल के बारे में बताओ कि लोग तुम्हें फॉलो कर सकें अपने गाने बनाते रहो टका के बनाओ जब तक हिट नहीं होते डोंट गिव अप थॉमस एडिसन ग्यारह सौ एक्सपेरिमेंट किया अगर वो दो सौ के बाद रुक जाता तो कभी लाइट बल्ब भी बत्ती जादना कर पाता काश सिर्फ इंसानों को पता चल जाए कि मैं इतने दिन मेहनत करूंगा तो मुझे सिला मिल जाएगा मसला ये 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 हमें हमें पता पता नहीं होता ये तो अगर ये गैप ये। इल्म ये, अगर गैप का है चल जाए कि भाई मुझे, मुझे ग्यारह सौ दिन लगा, लगाने और सोचो हम आठ दिनों के बाद रुक जाए तीन ही पीछे रह गए थे तो गैप का इल्म नहीं होता इसीलिए होपलेस होके पागलों की तरह काम करना होता है तुमने करते रहना नाम बताओ अपने चैनल के बारे में बताओ

मोरू भाई इफ़ यू डोंट माइंड मैं चाहूँगा आप चंद कदम स्टेज की तरफ आए और आपने जो मुल्क के लिए किया है बहुत बहुत अच्छे आइडियाज़ पर बात करके यूनिक स्टोरी टेलिंग के थ्रू आपने लोगों को जो पर्सपेक्टिव दिया है लोगों की आई थिंक आपने एक अवेकनिंग की है लोगों को आपने ज़्यादा टॉलरेंट बनाया है वो सितारे जो भी काम आपकी फील्ड में शुरू करते हैं आप उनको अपलिफ्ट करते हैं आप उनके साथ कलेबरेट करते हैं ये सोचे बगैर कि आपको उनसे क्या मिलेगा आपकी इस चीज़ की वजह से एंड फॉर बीग सच अ ग्रेट ह्यूमन बींग एंड सो इंस्पायरिंग एंड जिस तरह के मैंने बोला जब हमने तय्यबा शुरू की हम थर पारकर में जाकर फैमिलीस uh, की औरतों की मदद करना चाह रहे थे जो तबील रास्ता तय करती हैं पानी के लिए आपसे मैंने बात की कि आपका इतना इन्फ्लूंस है वुड यू बी ओके टू कम ऑन बोर्ड एंड हेल्प आस रेज अवेयरनेस अबाउट इट आपने एक सेकेंड नहीं सोचा और आप गुड कॉज इसलिए मैं चाहूंगा एक छोटा सा टोकन ऑफ एप्रिसिएशन आपको प्रेजेंट करूँ जो कि ये मेरे शो में आज पहली दफा हो रहा है भाई, thank you very much. Thank you so much, Mohan, भाई। अल्लाह ताला बहुत रखे, इसी तरह खुश जैसे जैसे दुनिया की आबादी बढ़ती जा रही है नेचुरल रिसोर्सेज कम होते जा रहे हैं इन रिसोर्सेज को वाइजली यूज़ करना है और कहाँ से लाने हैं ये है। माल लेकिन इसके बावजूद खत्म नहीं हो रहा पाकिस्तान में भर की की तो चुका है इसलिए जरूरी है कि हम सोलर विंड हाइड्रो बायो और दूसरे रिसोर्सिस को इस्तेमाल में लाएं जो सस्ते भी हैं और माहौल के लिए खतरा भी नहीं होते आप सब ने गौर करना है कि हम पाकिस्तान को इस क्राइसिस से निकालने के लिए डोमेस्टिक लेवल तक कितना पार्टिसिपेट कर सकते हैं अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी रिसोर्सिस को अपनाएं मुल्क को एक बेहतर जगह बनाए सस्टेनेबल एनर्जी बहुत जरूरी है पूरी दुनिया ने रेकग्नाइज कर लिया थैंक यू वेरी मच मोरू भाई सस्टेनेबल एनर्जी बहुत जरूरी है जब दुनिया ने रेकग्नाइज कर लिया है तो हम क्यों नहीं कर रहे कर रहे हैं और इसको ज्यादा करना पड़ेगा इस बात पे गौर करें मिलते हैं आपसे हद कर दी के अगले एपिसोड में तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ थैंक यू